मोदी सरकार के आयुष्मान भारत योजना पर दिल्ली में दूसरे दिन भी घमासान जारी रहा। आपने बुधवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी को लेकर उन पर हमलावर रही कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने राजनीतिक हितों के कारण आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं किया। इधर भाजपा ने भी इस मामले में हाईकोर्ट की शरण ली है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा नहीं, ये तो सीए जी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना बहुत सारे घोटाले हैं। इस योजना में इलाज तब होगा जब मरीज भर्ती होगा, लेकिन दिल्ली में भर्ती होने ना होने की कोई शर्त ही नहीं है। 5 रुपए की दवाई से लेकर 1 करोड़ तक का ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। जब दिल्ली में दवाई, टेस्ट, इलाज सब कुछ फ्री है तो यहाँ फिर आयुष्मान भारत योजना की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी को दिल्ली की योजना को स्टडी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को एक घोटाला बताया और कहा कि प्रधानमंत्री को दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल का अध्ययन करना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।